गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज हम स्टेशनरी वेव्स या अप्रगामी तरंगों के बारे में बात करेंगे। अप्रगामी तरंगें, जब किसी माध्यम में समान आवृत्ति व समान आयाम की दो तरंगें परस्पर विपरीत दिशा में समान चाल से एक ही मार्ग पर संचरित होकर अध्यारोपित होती हैं, तो परिणाम स्वरूप नवीन तरंग का निर्माण होता है, जिसमें विक्षोभ तथा ऊर्जा का किसी भी दिशा में संचरण नहीं होता है। इस कारण इसे हम अप्रगामी तरंग कहते हैं। अप्रगामी तरंगों की अनुदैर्ध्य तथा अनुप्रस्थ दोनों प्रकार की तरंगों से उत्पत्ति संभव है। उदाहरणतः जब दो ध्वनि तरंगें जो कि अनुदैर्ध्य होती हैं एक ही सरल रेखा में गति करती हुई परस्पर अध्यारोपित होती हैं, तो माध्यम में इनके अध्यारोपण से अनुदैर्ध्य अप्रगामी तरंगें बनती है, जैसे वायुस्तंभ में बनने वाली अप्रगामी तरंगें। इसी प्रकार समान आवृत्ति व समान आयाम की दो अनुप्रस्थ तरंगों के एक ही सरल रेखा पर विपरीत दिशा में संचरित होने से अध्यारोपण के फलस्वरूप अनुप्रस्थ तरंगों का निर्माण होता है, जैसे स्वरमापी तार वाले वाद्य यंत्र तथा मेलडी प्रयोग में धागे पर बनने वाली तरंगें। अप्रगामी तरंगों के प्रभाव से माध्यम के कुछ कण सदैव स्थिर रहते हैं तथा इन बिंदुओं पर कण का परिणामी आयाम शून्य होता है। इन्हें निष्पंद या नोड्स कहते हैं, और कुछ बिंदु जहाँ पे कि विस्थापन का परिणामी आयाम अधिकतम होता है, उन बिंदुओं को हम एंटीनोड या प्रस्पंद कहते हैं। प्रस्पंद या एंटीनोड क्या होते हैं? प्रस्पंदों की स्थिति में कण का विस्थापन एवं चाल अधिकतम होती है, जबकि निष्पंदों की स्थिति में दबाव और घनत्व में परिवर्तन सबसे अधिक होते हैं। बद्ध माध्यम में अप्रगामी तरंगें किस प्रकार बनती है ये देखेंगे। चित्र के अनुसार विपरीत दिशाओं में एक ही सरल रेखा पर संचरित होने वाली पूर्ण रूप से समान दो तरंगों के अध्यारोपण की विभिन्न स्थितियां प्रदर्शित की गई है। बाएं से दाएं संचरित तरंग को सतत वक्र से तथा दाएं से बाएं संचरित तरंग को बिंदु वक्र से प्रदर्शित किया गया है। परिणामी तरंग का विस्थापन गहरी काली रेखा से दिखाया गया है। माना प्रारंभ में एटी इक्वल टू जीरो पर दोनों विपरीत कला में अध्यारोपित होती हैं। परिणाम स्वरूप प्रत्येक बिंदु पर बराबर एवं विपरीत विस्थापन उत्पन्न होता है, जिससे एक तरंग सीधी रेखा के रूप में प्राप्त होती है। फलतः माध्यम के सभी कण स्थिर रहते हैं। इसी प्रकार जबकि टी की वैल्यू टी बाई फोर पर दोनों तरंगों में लैम्डा बाई फोर दूरी से विपरीत दिशाओं में बढ़ती हुई आती हैं। परिणाम स्वरूप प्रत्येक बिंदु पर दोनों तरंगों का श्रृंग या गर्त समान कला में अध्यारोपित होता है। चूँकि परिणामी विस्थापन दोनों तरंगों द्वारा अलग अलग विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है, अतः प्रत्येक बिंदु पर विस्थापनों का योग कर परिणामी विस्थापन ज्ञात किया जा सकता है, जहां परिणामी विस्थापन वक्र को गहरे काले रंग के वक्र से प्रदर्शित किया गया है। चित्र से स्पष्ट है कि कुछ कणों में जहां पे A0, A1, A2, A3 से जिनको प्रदर्शित किया गया है उनमें विस्थापन अधिकतम तथा कुछ कण जिन्हें N1, N2, N3, N4 से प्रदर्शित किया गया है अब भी उनमें विस्थापन शून्य रहता है। इसी प्रकार जबकि स्मॉल टी की वैल्यू कैपिटल टी बाई टू है, उसका आवृत काल के आधा है तथा स्मॉल टी इज इक्वल टू कैपिटल टी समय पर दोनों तरंगें विपरीत कला में अध्यारोपित होती हैं और प्रत्येक क्षण प्रत्येक बिंदु पर दोनों तरंगें समान तथा विपरीत विस्थापन उत्पन्न करती है। परिणाम स्वरूप प्रत्येक बिंदु पर परिणामी विस्थापन शून्य होता है, जैसा कि इन अलग अलग चित्रों में अलग अलग स्थितियों को लेकर समझाया गया है। एट स्मॉल टी इज इक्वल टू 3t/4 पर स्मॉल टी टी बाई फोर है के समान दोनों तरंगें समान कला में अध्यारोपित होती है तथा प्रत्येक बिंदु पर स्मॉल टी इज इक्वल टू टी बाई फोर की स्थिति से 180 डिग्री कला का अंतर रहता है। उपर्युक्त रेखा चित्रों के विश्लेषण से निम्न निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। फर्स्ट, अब हम इसमें डिस्कस करेंगे अप्रगामी तरंगों की क्या क्या विशेषताएँ होती है। पहला, माध्यम के कुछ कण हमेशा माध्य स्थिति में रहते हैं, अर्थात उनमें स्पंदन नहीं होता है, जैसे N1, N2, N3, N4 जिन्हें कि हम नोड या निस्पंद कहते हैं। इन निस्पंदों की स्थितियों के मध्य के कणों के विस्थापन में आयाम अधिकतम होता है, जिन्हें हम उन और उस पर स्पंदन या कंपन अधिकतम होता है, जैसा कि A1, A2, A3, A4 में दिखाया गया है। इन बिंदुओं की स्थितियों को प्रस्पंद कहते हैं। थर्ड, दो क्रमागत निस्पंदों या दो क्रमागत प्रस्पंदों के बीच की दूरी अर्ध तरंग लैम्डा बाई टू के बराबर होती है तथा क्रमागत निस्पंद के बीच की दूरी तरंग दैर्ध्य की एक चौथाई या लैम्डा बाई फोर होती है। फोर्थ,
दो क्रमागत निस्पंदों के बीच सभी कण सरल आवृत गति करते हैं। फिफ्थ, दो क्रमागत निस्पंदों के बीच सभी कण समान कला में परंतु भिन्न भिन्न आयामों से कंपन करते हैं। सिक्स, निस्पंदों के दोनों ओर निकटतम कण विपरीत कला में कंपन करते हैं। सेवेंथ, सभी कण अपनी माध्यम स्थिति से एक साथ कंपन प्रारंभ करते हैं किंतु उनके वेग भिन्न भिन्न होते हैं। एट्थ, इस प्रकार की तरंग में विक्षोभ संचरण नहीं होता है, इस कारण ऊर्जा का स्थानांतरण नहीं होता है। नाइन्थ, निस्पंदों पर माध्यम के घनत्व एवं दाब में परिवर्तन अधिकतम होते हैं क्योंकि निस्पंदों पर जो तरंग वक्र है उसका ढाल अधिकतम होता है। टेंथ, प्रस्पंदों पर घनत्व एवं दाब परिवर्तन शून्य होता है क्योंकि प्रस्पंदों पर तरंग वक्र की ढाल शून्य होती है। अप्रगामी तरंगों का गणितीय विश्लेषण, माना कोई अप्रगामी तरंग एक्स अक्ष के अनुदिश धनात्मक दिशा में भी वेग से संचरित हो रही है तो हम एक जनरल इक्वेशन लिख सकते हैं उसके लिए y1 = a sin ωt − kx। जब इस तरंग को किसी विरल माध्यम से परिवर्तन होता है तब ये एक्स अक्ष के अनुदिश ऋणात्मक दिशा में संचरित होने लगती है, तो इस प्रकार की जो तरंग है उसके लिए समीकरण हो जाएगा y2 = a sin, तो डायरेक्शन बदल गई, एक्स माइनस एक्स हो गया तो ωt + kx। किंतु यदि तरंग का परावर्तन किसी सघन माध्यम में दृढ़ आधार से होता है तो आपतित व परावर्तित तरंगों के मध्य पाई रेडियन का कलांतर उत्पन्न हो जाता है, इसलिए उस केस में समीकरण होगा y2 −a sin ωt + kx। यहाँ यह माना गया है कि परावर्तन से ऊर्जा में कोई तरह की हानि नहीं हो रही, अतः माध्यम की परिसीमा से समान आयाम की तरंगें परावर्तित होती हैं। समीकरण 1, 2 और 3 से प्रदर्शित दो प्रगामी तरंगों के पारस्परिक अध्यारोपण से बनने वाली अप्रगामी तरंगों का परिणामी विस्थापन हम दे सकते हैं दोनों के टोटल के बराबर। ये हो गया y = y1 + y2 या y = a sin ωt − kx ± ωt + kx, जैसे कि पहले इक्वेशन हमने लिख रखी है, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस इसलिए दिया है कि हमने सघन या विरल माध्यम जिससे भी इसका परावर्तन हुआ है उस हिसाब से यहाँ पे इन दोनों टर्म्स को साथ लिख लिया है। अब साइन ए माइनस बी और साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, इसको ओपन कर देंगे। विरल माध्यम में हो तो y = हमारे पास हो जाएगी 2a cos kx sin ωt और जब सघन माध्यम में हो तो y = −2a sin kx cos ωt के बराबर होगा। समीकरण 4 से स्पष्ट होता है कि परिणामी तरंग एक ऐसी तरंग को प्रदर्शित करती है जिसका आयाम a = 2a cos kx या 2a sin kx दूरी से परिवर्तित होती है परंतु उसका संचरण नहीं होता है। समीकरण 4a से माध्यम कणों का वेग अगर निकालना है तो हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो v हो गया dy/dt = 2a ω cos kx cos ωt। इसी तरह 4b को अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो v = δy/δt − 2a ω sin kx sin ωt। तथा माध्यम में विकृति δy/δx = 2ak sin kx sin ωt। अप्रगामी अनुदैर्ध्य तरंगों में दाब में परिवर्तन होता है δp −edy/dx। dy/dx की वैल्यू हमारे पास है, ये वैल्यू रख के हम यहाँ से इसमें दाब में परिवर्तन निकाल सकते हैं। अब अलग अलग कई सारी स्थितियाँ उनको डिस्कस करेंगे इंडिविजुअल। विभिन्न परिस्थितियों में पहली है कण की स्थिति के सापेक्ष परिवर्तन। फर्स्ट, यदि x = 0λ/2, 2λ/2 और nλ/2 अगर रखें तो यहाँ n की वैल्यू 1, 2, 3 है और kx अगर 2π λ × x = nλ है जिससे cos kx का मान एकांत क्रम में +1 व −1 हो जाता है तो sin kx 0 हो जाता है। समीकरण 4, 5, 6 और 7 से इन बिंदुओं पर होने वाले जो कण हैं उनका विस्थापन आयाम व वेग महत्तम परंतु विकृति तथा दाब में परिवर्तन शून्य होता है और ये सारे पॉइंट हमारे प्रस्पंद कहलाते हैं। अतः दो क्रमागत प्रस्पंदों के बीच की दूरी δx = λ/2। अब दूसरा केस, जब x की वैल्यू λ/4, 3λ/4, 5λ/4 एंड सो ऑन हो तो kx हो जाएगा हमारे पास 2n + 1π/2 जिससे cos kx का मान शून्य हो जाता है परंतु sin kx + −1 इन बिंदुओं पर विस्थापन
आयाम व वेग शून्य परंतु विकृति व दाब में परिवर्तन अधिकतम होता है। अतः यह स्थितियाँ माध्यम में नोड्स को प्रदर्शित करती है। इस प्रकार दो क्रमागत निष्पंदों के बीच की दूरी लैम्डा बाई टू हो जाती है। अतः क्रमागत प्रस्पंद व निष्पंद के बीच की दूरी लैम्डा बाई फोर होती है। समय के सापेक्ष परिवर्तन अब हम डिस्कस करेंगे। ये होता है हमारे पास यदि ओमेगा टी इज इक्वल टू जीरो पाई टू पाई या टी इज इक्वल टू एन पाई बाई ओमेगा एन टी बाई टू तो साइन ऑफ ओमेगा टी जीरो व कॉस ऑफ ओमेगा टी वन होता है। समीकरण चार पाँच छः और सात से परिणामी विस्थापन वाई व दाब में परिवर्तन डेल्टा पी शून्य होता है जबकि वेग भी महत्तम होता है। अतः इस स्थिति में सभी कण स्वयं की माध्य स्थिति से होकर महत्तम वेग से गुजरेंगे अर्थात इस समय कण की गतिज ऊर्जा अधिकतम तथा स्थितिज ऊर्जा शून्य होगी। इस स्थिति में के क्रम से लैम्डा बाई टू समय अंतराल से ये दोहराई जाती है। अब यदि ओमेगा टी पाई बाई टू थ्री पाई बाई टू या टी इज इक्वल टू टू एन प्लस वन पाई अपॉन टू ओमेगा या टू एन प्लस वन टी बाई फोर के बराबर हो तो साइन ओमेगा टी वन हो जाएगा कॉस ओमेगा टी जीरो हो जाएगा। अतः समीकरण चार पाँच छः व सात के अनुसार कण का विस्थापन वाई व दाब का परिवर्तन डेल्टा पी अधिकतम तथा कण का वेग शून्य होता है। इस कारण इस समय कणों की गतिज ऊर्जा शून्य तथा स्थित ऊर्जा अधिकतम होती है। इस स्थिति में भी क्रम से लैम्डा बाई फोर समय अंतराल से यह स्थिति दोहराई जाती है।